सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दांतों में कीड़ा के लगता कैसे है। स्मेल जो होती है, स्मेल दांतों से नहीं आती, जुबान के ऊपर जो बैक साइड पे बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से। जो सफेद चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें एक केमिकल होता है डेक्सट्रॉन। डेक्सट्रॉन बहुत मुश्किल से साफ होता है दांतों के साथ। कोई भी फ्लोराइड वाला माउथ वाश लें, आधा ग्लास नीम गर्म पानी लें, एक चुटकी नमक डालें, दो चम्मच माउथ वाश के डाल दें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिमशा आवान, और जो है मेरे साथ को होस्ट मोहम्मद फाइक नहीं है। आज मैं अकेली जो है मॉर्निंग शो के होस्ट के जो है प्राइस सरंजाम दूंगी, और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी खुशियों से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, क्योंकि आप खुश होंगे तो आप मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराने के लिए आपके दांत बहुत अच्छे होने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। आपकी स्माइल जो है उसमें आपके दांतों का बहुत अहम किरदार है, और दांतों के साथ साथ मैं, अगर दांतों का आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा क्योंकि मैं दांतों के बारे में बात करूंगी, इसके साथ ही साथ एक सीरियस प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे जो 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके मोस्टली जो दांत हैं वो उतर जाते हैं या खाए जाते हैं। ये क्यों है, इनकी क्या रीज़न्स हैं, कैसे जो है हम अपने दांतों को ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा और ज़्यादा देर तक जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं, इसके साथ ही साथ मैं ये सारी बातें करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौसर महमूद, जो कि डेंटिस्ट हैं, 35 साल से जो है वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जो है अपने दांतों की सफाई में कौन कौन सी मिस्टेक कर देते हैं, और आम तौर पर हमारे दांत अगर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम साफ रख रहे हैं तो कितनी देर तक चल सकते हैं हमारे दांत? देखिए, दांतों की सफाई के सिलसिले में सबसे बड़ी मिस्टेक तो हम ये करते हैं कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं जी। अक्सर लोग तकरीबन 90% करते हैं सुबह, से फायदा यानी 5-10% होता है। अच्छा, असल में फायदा होता है कि रात सोते वक्त आप ब्रश करें, ताकि आपके सारी रात मुंह आपका साफ रहेगा तो आपके वो दांतों में इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। ओके ओके सर। और अभी आपने सवाल किया था कि बच्चों में सबसे ज़्यादा दांतों में क्या मसला है। बच्चों में सबसे ज़्यादा इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि द वर्ल्ड ओवर जो है ये केरीज है, डेंटल केरीज, या जिसे आम तौर पर कीड़ा लगना कहते हैं, वो मसला पाया जाता जी है। सर, इसके बारे में आप ये समझ लें कि कीड़ा लगता कैसे है। एक दफ़ा आपको समझ आ गई है कीड़ा लगता कैसे है, तो फिर आप खुद इसको बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दांतों में कीड़ा के लगता कैसे है। जी सर। जब आपको पता चल जाएगा कि दांतों में कीड़ा कैसे लगता है, तो आप उसको रोकथाम या कंट्रोल बड़े आसानी से कर सकते हैं। जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुँह में एक तेजाबियत का इशारिया होता है जिसे पीएच कहते हैं। पीएच का अंदाजा है ना, एसिड है या बेस होता है। वो नॉर्मल जो होता है मुंह का पीएच 7 होता है, जिसको न्यूट्रल कहते हैं, ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। जब आप कोई मीठी चीज खाते हैं तो उसका आपका नॉर्मल जो एसिड पीएच 7 होता है वो गिर कर 5 से 5.5 पे आ जाता है जी। तो उसमें एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके दांतों में से कैल्शियम और फास्फोरस के आयंस निकलते हैं। और वो उसको न्यूट्रलाइज करके फिर उसके बाद आपके जो स्लाइवा में, आपके थूक में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो उसको 1 घंटे में आपको वो दोबारा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी आपने कोई चीज़ खाई मीठी और उसमें जो एसिड बना उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया आपके दांतों से जो कैल्शियम और फास्फोरस के आयन निकले हैं, और आपके जो थूक में बाइकार्बोनेट है उसने कर दिया जी। अगर आपने 1 घंटे से पहले फिर कोई चीज़ खा ली मीठी, ओके, तो अगला घंटा भी एसिड हो गया, फिर अगले घंटे बाद कोई चीज़ खा ली आपने, फिर एसिड। अगर आप 10 घंटे तक अगर 10 टॉफियां खा लेंगे तो सारे दिन में आपको कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा होगा जो बच्चे बार बार खाते हैं उनके दांतों में लाजमी कीड़ा लग जाता है। ओके। और हमारे अमूमी तौर पर तासुर ये है कि बच्चे को बार बार हम मीठी चीज़ें खिलाते हैं, एक दफ़ा चाहे उसको 100 टॉफियां भी दे दें तो वो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो नेचर उसको खुद रिकवर कर लेगी। लेकिन बार बार करेंगे ना तो फिर ज़ाहिर है कि वो उसके रिपेयर मुश्किल हो जाती है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि ये इट इज़ नॉट दी
क्वांटिटी ऑफ द शुगर, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शुगर इंटेक। तो बार बार आप ना खाने दें बच्चे को, और अब खा ले तो उसके बाद आसान तरीन हल है कि पानी से कुल्ली कर ले, तो जो एसिड बना होगा उससे डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा। और दूसरी बात एक और जो ख़ास तौर पर मैं आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा वो ये कि जो सफ़ेद चीनी हम इस्तेमाल करते हैं ये इसमें एक केमिकल होता है डेक्सट्रॉन। डेक्सट्रॉन बहुत मुश्किल से साफ होता है दांतों के साथ, चिपक जाता है तो उसको बड़े ज़ोर से ब्रश करने विगरस ब्रशिंग के बाद ही साफ होता है। जब इसके मुकाबले में जो फ्रुक्टोज है जो फ्रूट्स के अंदर मीठा होता है या लिवान है या शहद के अंदर जो कुछ होता है वो नेचुरली आप आराम से कुल्ली करेंगे तो उतर जाएगा। तो मीठी सफ़ेद चीनी कम इस्तेमाल करें, गुड़ शक्कर इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें। अच्छा, वो उतने नुकसानदेह नहीं है जितना कि चीनी नुकसानदेह। एक तो नुकसानदेह कम है, दूसरा आसानी से जल्दी साफ हो जाते हैं। साफ हो जाते हैं, ठीक है। और पानी से कुल्ली कर लें तो आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सिर्फ मीठा ही बच्चों के दांत खराब कर रहा है या इसके अलावा भी कोई फूड ऐसे हम उन्हें दे रहे हैं जो जिसकी वजह से उनकी दांत खराब है, जिसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिसमें आयरन की कमी है, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो कैंड फूड है जी, ये जो जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जी, जो पैक्ड फूड होता है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है आपके, सारे एसिड हैं। तो बच्चे तो पी ही रहे हैं, तो ये आप खुद अपने बच्चों को अपने दांत खराब कर रहे हो उनके। जब आप खुद कर रहे हो तो उनका बच्चों को तो पता ही कोई नहीं, बच्चे तो खा ही पैकेट के फूड रहे हैं और ऐसी चीजें खा रहे हैं जो। देखो नेचुरल फूड के जितना करीब रहोगे वो आपको कम से कम नुकसान देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कीड़ा लग गया बच्चों के, कीड़ा खराब कर दिया उसके दांत, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे फायर ब्रिगेड का काम होता है कि कहीं आग लग जाए तो आग बुझाया जाए जी, तो कितनी अच्छी बात होगी आप आग लगने ही ना दें। लगने ही ना दें तो सबसे पहली चीज़ है कि प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंशन जो एक तो आप बेसिक ओरल हाइजीन मेंटेन करें, दूसरा फूड को इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करें, फ्रीक्वेंसी को बंद करें, और फिर एक और चीज़ आती है फिशर सीलिंग। बच्चों के दांतों के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, हिफाजती कोटिंग, जैसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोटिंग नहीं प्लास्टिक कवर, जी जी, इसी तरह के एक रेजन की कोटिंग हो जाती है, उससे ही होता है कि 5-7 साल तक कीड़ा नहीं लगता बच्चों को। बाद में से बच्चे खुद से आने हो जाते हैं कि केयर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि बच्चों की कम अज़ कम साल में 2 दफ़ा आपको या 1 दफ़ा तो लाजमी डेंटिस्ट को चेक करवाएं, कोई छोटा मोटा इशू होगा तो उसी वक्त केयर हो जाएगी। अच्छा ये बताएं कि इसमें हमने अब हम चलें बच्चों की, अब बड़ों की थोड़ी बात करते हैं। अक्सर मैंने ये अमूमन देखा है कि एक प्लाक सा जम जाता है, एक फंगस जिस तरह लग जाती है आपके दांतों के कॉर्नर्स पे, इनर और अपर कॉर्नर्स पे, इसकी क्या रीजंस हैं? क्या इसमें भी सफाई का प्रॉब्लम है? प्रॉपर तरीके से ब्रश ना करना, लेकिन एक दफ़ा जमा हो जाए तो उसको फिर सफाई करवाना ज़रूरी है। ओके, तो प्रॉपर तरीके से सफाई कैसे की जाए? प्रॉपर तरीके तो ये कि है कि आप इसको नॉर्मली यूं करते हैं ब्रश, और इसे कि अप एंड डाउन ऊपर नीचे किया जाए, सर्कल करें और दांतों के ऊपर भी करें और अंदर से भी करें, अंदर से भी। और फिर एक है कि आदत बना लें कि माउथ वॉश की, कोई भी फ्लोराइड वाला माउथ वॉश लें, आधा ग्लास नीम गर्म पानी लें, एक चुटकी नमक डालें, 2 चम्मच माउथ वॉश के डाल दें, और उसमें ये है कि डेली करना चाहिए। डेली कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लें तो तब भी काम, उससे आपका पूरा मुंह साफ हो जाएगा। अच्छा दांतों के साथ साथ जुबान का भी बहुत अहम ताल्लुक है, क्या जुबान की सफाई भी उतनी जरूरी है? जी जी, जैसे हम दांतों को ब्रश करते हैं तो आखिर में जुबान के ऊपर भी ब्रश कर लिया करें। अच्छा वही ब्रश आप? जी वही ब्रश, उससे होता है स्मेल जो होती है, स्मेल दांतों से नहीं आती, जुबान के ऊपर जो बैक साइड पे बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से, जो हमारे मुंह से स्मेल आ रही होती है वो एक्चुअली हमारी जुबान की वजह से आती है। जुबान में जो विलाज होते हैं ना वहाँ पर बैक्टीरिया कॉलोनीज होती है, और वो जब आप ब्रश करेंगे तो उसका काफी सारा निकल जाता है, और माउथ वॉश करेंगे तो वो कम हो जाएंगे। अच्छा अब आपकी शायरी की तरफ आते हैं, दांतों को ठीक करते करते और मुस्कुराते बिखेरते बिखेरते शायरी की तरफ आप कैसे आ गए? शायरी, शायर में पहले था, डॉक्टर बाद में बना। अच्छा अच्छा अच्छा, किस तरह की गजल आप लिखते हैं? कोई मोटिवेशनल होती है या आपने? शुरू में तो खैर गजल कहा था, लेकिन अब ज्यादातर नज्म कहता हूँ। अब तो खैर बहुत अरसे से कुछ कहा नहीं है, लेकिन ज्यादातर नज्म कहता हूँ मैं। नज्म कहते हैं, तो कोई सर नज्म हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आज इत्तेफाक की बात है, जसरा साहब के पास हम आए थे तो कुछ दोस्त अहबाब डॉक्टर साहब इनके फैसलाबाद से आए हुए थे, तो एक पुरानी नज्म मैंने इनको सुनाई, तो मैंने कहा चलें वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसका उनवान है बहुत पहले। बहुत पहले, बहुत पहले ये लिखा जा चुका जी, बहुत पहले ये लिखा जा चुका, तुम कब कहाँ और कैसे लोगों में जन्म लोगे।
बहुत पहले ये लिखा जा चुका, तुम कब कहाँ और कैसे लोगों में जन्म लोगे, तुम्हें किस किस से कितनी देर मिलना है ये सब तय है, तुम्हें किस किस से कितनी देर मिलना है ये सब तय है, तो फिर शिकवा इजाफी है, हमें ये लम्हे मौजूद काफ़ी है। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कोसर महमूद साहब, और उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो हम अपने दांतों की ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों के दांतों की ज़्यादा अच्छे तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। और अगर आपने मीठा खाना है ज़रूर खाएं, लेकिन उसके बाद अपने दांतों को या तो खुली करें या अच्छे और प्रॉपर तरीके से उसे ब्रश करें। उसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले आपने अपने हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करना है, हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ ही साथ हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।